अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना कुर्बान कराची से। जैसे कि आपको पता है, मुल्क भर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल चुका है। उसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल चुका है, जैसे कि हम आपको रोज़ाना की अपडेट दे रहे हैं। हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 25,000 रुपये जुर्माना करने की समरी इजलास में ज़ेर बहस आई। जुर्माना के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए किस्तों में भेजा जाएगा। ये फैसला ज़रूरत से ज़्यादा गिरफ्तार अशखास को इकट्ठा रखने से बचने के लिए किया जा रहा है। हासिल शुदा रकम से आलमी वबा में मुबतला शख्स को इलाज के लिए मुमकिन हो सकेगा। गिरफ्तार शुदगान की बेल 25,000 की एवज बर वक्त उठाई जाएगी। गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट लाजिम करार नहीं। बेल के असरात हर 6 घंटे के बाद इलाका मजिस्ट्रेट के सुपरद की जाएंगी। बेल में रिश्तेदार ब्लड रिलेशन के अलावा भी काबिल कबूल होगा। जुर्माने की रकम काबिल माफ़ी ना होगी। जुर्माने की रकम के इलेक्ट्रिक के अगले 12 बिलों में वसूल की जाएगी। खुर्दनोश की अशिया की खरीदो फरोख्त और तिबी अशिया की खरीदो फरोख्त बाहर निकल की जायज़ वजूहात तसव्वुर किए जाएंगे। इलाकाई पुलिस बाई इखलाक तरीके से इस आर्जी कानून पर अमल दरामद कराने में मिजाज होगा। मजामत करने वाले को लॉकअप किया जाएगा। पुरसकून गिरफ्तार शुदगान को लॉकअप नहीं किया जाएगा। बेल के लिए असल शिनाख्ती कार्ड, पिछले 3 माह के पैड शुदा यूटिलिटीज़ बिल पेश करने होंगे। बेल की शक्ल में 25,000 की रकम या सवारी काबिल कबूल होगी। शुदगान के लिए जेल महफूज नहीं। इस आर्जी कानून का इतलाक आज रात 12 बजे से तसव्वुर किया जाएगा। इसी तरह हम आपको अपडेट देते रहेंगे हक़ और सच की वज़ाहत। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। रहना कुर्बान को अल्लाह।